हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने खेत टमाटर लगाने। हमारे यहाँ टमाटर का सीज़न स्टार्ट हो गया है, मतलब टमाटर सभी लोगों की तैयारियाँ हो गई है टमाटर लगाने की। तो अब हम जा रहे हैं खेत की ओर, तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए। चलो है ना, वो शाम के टाइम ही लगाए जाते हैं, मीन्स जब सूरज ढल जाता है तो उसके साथ ही लगाए जाते हैं। तो आजकल मेरा भांजा भी हमारे घर आया हुआ है। अरे हाय बोलो। हाय, कैसे आप सब? मुँह कर सब करता है ना आरव? हाँ। चल रहा है हमारे साथ? हाँ। की घर जाना है, नानी के साथ घर जाना है आपने? अरे नानी ने चाली को रखे पर ये टमाटर बास। आप देखो मेरी तरफ। हाय बोलो। अभी नहीं देख सकता मैं। हाय बोलो। अभी नहीं चल रहा। ये देखो नानू की लहसुन कितने अच्छे हो रहे, देख यहाँ पे आपने स्पिंगलर देख रहे हैं। ये है मिनी स्पिंगलर और ये स्कीम हमने अभी ली थी, ये पूरे खेत में हमने लगाई है ये स्कीम, ये स्पिंगलर्स जो आप देख रहे हैं। और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से ये स्कीम मिलती है, इसमें सब्सिडी भी मिलती है। पौधे क्यों करा थे से? तो चला ले जूतू लगा ले। लग गया ना? तो टमाटर के लिए कुछ इस तरह की रोज बनानी पड़ती है, क्योंकि ये जब बड़े हो जाते हैं पौधे तो मतलब इसमें डोरी वगैरह बांधी जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आगे चल के, तो ये सीधी रोज बनानी पड़ती है। टमाटर के पौधे आप देख सकते हैं। ठीक, कहाँ है सरकार? बहुत है बोल। तो इन पौधों की दो टाइम सिंचाई की जाती है, शाम के टाइम और सुबह के टाइम, मतलब सूरज उगने से पहले इनकी सिंचाई की जाती है, क्योंकि धूप आने के बाद ये मुरझा जाते हैं। तो इसकी ठीक है।
और ये जो आप चीज देख रहे हैं वो है मिनी ट्रैक्टर, इससे खेतों को जोता जाता है। तो यहाँ पे टमाटर लगा दिए है और सिंचाई भी कर दी है। इस तरह से टमाटर लगाए जाते हैं और ये छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो यहाँ पे खड्डों को नहलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। अब गर्मी शुरू हो गई है और इनके लिए हाँ, अब 3 महीने बाद इनको नहलाया जा रहा है। 3 महीने के हो गए हैं ये। ये देखते हैं। और यहाँ खड़ुओं को टैंक में डुबाया जा रहा है ताकि सारा मेल निकल जाए इनका। ये है सिरमौर की खूबसूरत वादियाँ। ये जो आप सामने पेड़ देख रहे हैं वो है कराल का पेड़ और इसमें फूल लगे हैं। इसकी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है और अचार भी बनता है, आप देख सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।